राहुल गांधी को तो झूठ भी बोलना नहीं आता, वो झूठ पर ही फंस जाते हैं। कुछ दिन से राहुल गांधी कथित किसान आंदोलन के मारे गए किसानों की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। पूरा देश हैरान परेशान है कि राहुल गांधी ये फर्जी लिस्ट कहाँ से उठा के ले गए। खैर, उनकी बहन जब ऑटो को बस बना सकती है तो वो तो फर्जी लिस्ट लेके घूम ही सकते हैं। देखिए राहुल गांधी ने अपने झूठ में किस तरह फंसे हैं। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं, पंजाब में उनकी सरकार है। चन्नी साहब ने अपनी छन्नी से छानकर सो कॉल्ड शहीद किसानों की लिस्ट दी, यहाँ तक तो ठीक। फिर उन्होंने सैकड़ों कथित शहीद किसानों को 5 लाख का मुआवजा दिया, यहाँ तक भी ठीक। उसके आगे राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने 152 कथित शहीद किसानों को रोजगार भी दिया। क्या कह रहे हो भाई, कतई तगड़ा मुआवजा देते फिर रहे राहुल गांधी जी। मृतकों को भी रोजगार दे दिया, कहाँ भाई, किस दुनिया में, दूसरी दुनिया में किस रोजगार पर लगाया आपने उन कथित मृतक किसानों को। ये कांग्रेस है। कुछ दिन पहले कमलनाथ जी को एक मृतक ने बताया था कि वो कैसे मरा, अब राहुल जी ने मरे लोगों को रोजगार दे दिया है। अपरंपार है उनकी माया।